नमस्कार, मैं आपका साथी इस श्रृंखला में संजीव शंकर। ये एक नई श्रृंखला है जो हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा हिंदुस्तान जो कि इतना विचित्र भूमि है, जिसमें एक अलग अलग तरह की भाषाएं, संस्कृति और फोक और ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को लेके जो है इतनी एक सद्भावना है, जिसने मिलके जो है हमारे शास्त्रीय संगीत को जो है इतना बड़ा बनाया। क्योंकि हमारा शास्त्रीय जो संगीत है उसका जो बेसिक प्लेटफॉर्म जो है, जहां से वो बड़ा हुआ, वो जो है हमारा आर्ट फॉर्म्स, जो फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, ट्राइबल। तो ये हम लोग की कोशिश है कि हम लोग आप लोगों के सामने जो है, मतलब मैं और मेरी टीम और जो भी आर्टिस्ट इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सबकी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग के सामने कुछ ऐसी विधाएं लेके आए जो हमारे भारतवर्ष की छुपी हुई विधाएं हैं। और खास तौर से आजकल के समय में, जबकि ऐसा समय चल रहा है कि लोग जो है एक दिशा में भागे जा रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि भारत का कल्चर जो है, जो इंडिया का कल्चर जो है, इसमें क्या क्या चीज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये श्रृंखला जो है हमारी शुरू करने की के पीछे जो प्रेरणा जो थी हमारी, वो यही थी कि हम लोग आपके सामने ऐसे ऐसी विधाओं को लेके आए जो कि लगभग लगभग इस समय मतलब विलुप्त होने की कगार पे हैं। और जब तक हम लोग का सपोर्ट और प्रेम नहीं मिलेगा उनको, तब तक इनको बचाना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस श्रृंखला में जो है हमारा पहला जो एपिसोड जो है, वो एक ऐसे आर्ट फॉर्म के बारे में है जो कि अपनी तरह का अकेला आर्ट फॉर्म है इंडिया में। हालांकि अगर हम लोग इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं या रामायण देखते हैं अपना सिंगापुर वगैरह में, तो वहां पर उसका थोड़ा चलन देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में जो है ये आर्ट फॉर्म अकेला ही है बिल्कुल। और इसको छाऊ के नाम से जाना जाता है और ये हिंदुस्तान में तीन तरह से मिलता है। अब जो आज के कलाकार जो हैं हमारे, इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ अलग अलग गुरुओं से सीखने के बाद जो है अपने आर्ट फॉर्म को इतना डेवलप करा है कि आज वो हिंदुस्तान को लगभग लगभग 75 देशों में जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करा, और उनके अनगिनत शिष्य और शिष्याएं हैं हमारे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी। तो आइए हम स्वागत करते हैं गुरु श्री शिष्टाचार आचार्य जी का, जिनको मैं बहुत प्यार से, क्योंकि हम लोग इतना काम किए हैं पिछले 20-25 साल में। शिष्य भैया नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार, और कैसे हो? तो शशि भैया, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। तो शशि भैया, मैं जानना ही चाह रहा था कि हमारा तो 2 दशक हो गए हम लोग को एक साथ काम करते हुए, और जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो मैं उस समय कॉलेज जाना मैंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और उसके बाद जो है हम लोग काफी रहा एक साथ हम लोगों ने काम किया। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके उस समय पिताजी भी थे, तो उन्होंने भी काफी सारी बातें मेरे को सिखाई, पर आपका जर्नी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो कैसे हुआ आपका छाऊ के प्रति ही इतना रुझान कैसे रहा आपको? देखो, मैं एक कलाकार की परिवार में जन्म लिया और बचपन से इस कला को मैंने घर से ही देखा। दूसरा चीज है कि मैंने ये देखा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आते थे, पिताजी से सीखते थे, है ना। एक बरंडा हुआ करता था, उस बरंडा में मेरे पिताजी के पास ढोल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण आदमी है,
तो हम ढोल नहीं बजा सकते हैं, है ना, चमड़े का काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी टीन का जो दरवाजा है उस पे ताल बजाकर और बच्चों को सिखाते थे। तो जी मुझे ऐसा लगा कि एक देखो, मैं घर से जरूर इंस्पायर्ड हुआ, और फिर जब मैं इस कला को चैत्र पर्व के माध्यम से, मैं हमेशा पिताजी के साथ चैत्र पर्व देखने के लिए जाता था, देखता था 100 बच्चे 200 बच्चे नाच रहे हैं, बड़े बड़े लोग नाच रहे हैं, राजा के बेटा नाच रहा है ना। तो ये सब देख के मुझे लगा कि यार ये कला को सीखना चाहिए, तो मैंने सीखना शुरू किया। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसको आगे लेकर प्रोफेशनल होके और आगे मैं चलाऊंगा, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन सीखना जरूर शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे सीखते गया ना, तो मुझे मजा आते गया, और मजा इसलिए आया कि देखो उन दौरान हम लोग बात करते हैं कि चलो बॉडी को बिल्ड करते हैं, यंग जब रहते हैं तो क्या होता है, बॉडी बिल्ड करते हैं, ये करते हैं, मसल्स लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये काम करने के बाद तो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी बॉडी का एक्सरसाइज हुआ करता था बचपन में जब हम लोग करते थे, तो उससे बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। दूसरा, क्योंकि मैं कलाकार का घर में पैदा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं तो उसका एक कण तो मेरे शरीर में है ना, मेरे पिताजी बिल्कुल का कुछ ना कुछ एक कण तो है, और वो कण को जगना चाहिए था, वो जग गया, इसीलिए मैंने कलाकार बना। नहीं तो देखो, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ किया, लेकिन मैं कहीं और जा सकता था, मैंने कई नौकरियां करी, मुझे नौकरी भी अच्छी नहीं लगी, मुझे आफ्टरऑल घूम के आके इसी कला में रहना था। और दूसरा बात, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि हमारे इस कला को हमारे 5 जनरेशन का देन है, और ना केवल डांस में, म्यूजिक में, रिदम्स में, कॉस्ट्यूम में, मतलब हमारे जो पूर्वज चले गए, जो मेरे पिताजी के चाचा या मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के भाई, ये सब जितने लोग थे, ये लोग सब अपने ढंग से इस कला को उठाने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पिताजी के बाद ये कहीं ब्रेक हो गया तो शायद ये जो डेवलपमेंट चल रही थी वो रुक जाएगी। तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था, और बचपन से इंटरेस्ट होने के कारण मैं इस फील्ड में आया। और मेरा एक गुरु नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि केवल मैंने अपने पिताजी से नहीं सीखा। जी हाँ, वो मैंने आप तो कई विद्वानों के साथ जो है आपके आपका जो है वो रहा है उतना बैठना, और जी आपने जो है काफी सारे विद्वानों के साथ आपने सीखा भी है। और आपने ढोल की बात कही तो फिर वो ढोल का जो है, मेरे को एक बात याद आया कि आप तो ढोल बहुत अच्छा बजाते हैं और आपने तो देखो, फॉर्मली जो है वो सीखा भी है ढोल को, तो ये कैसे हुआ आखिर कि ढोल का जो है वो कैसे रहा आपके आपके जीवन में जो है एकदम से मन जो है करा। जब मैं दिल्ली आया, क्योंकि तुमको मालूम है कि हमारे यहाँ जो ढोल वादक थे वो सब लोअर कास्ट के लोग बजाते थे, ठीक है, हाँ बजाते थे, और बजाते थे तो उनको ऐसा था कि हम ब्राह्मण घर है, हमको उनको बैठाने के लिए जगह भी नहीं देते थे। लेकिन मेरे पिताजी एक ऐसा सिकुलर आदमी थे जिन्होंने हमारे ढोल वादक को हमारे घर के अंदर बैठा के खाना खिलाते थे। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर वो ढोल सीखना शुरू किया। और दूसरी चीज है कि जब ढोल वो लोग बजाते थे और ब्राह्मण लोग नहीं बजाते थे, बाद में क्या हुआ कि उनका धीरे 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 जो डिटोरिएट होने लगा उनका, उन लोगों का, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ढोल बजाना या ढोल इसको नहीं सीखूंगा तो फिर मैं आगे चलकर प्रॉब्लम में आऊंगा, क्योंकि मुझे आगे चलकर बजाने वाला मिलेगा नहीं, वो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ना केवल मैं, बल्कि मैंने अपने चारों भाइयों को ढोल और नगाड़ा ये दोनों की शिक्षा दी सीखने के बाद। और ढोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्वतंत्र वाद्य तो नहीं है बेटा, ढोल स्वतंत्र वाद्य नहीं है, उसको जो राइट साइड है, जो ता बजता है, उस पे एक और इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसको कहते हैं हम लोग कोड़का, और धा जहां बजता है उसको कहते हैं हम नगाड़ा, क्योंकि जो भारी आवाज है, जो भारी साउंड है, वो लेफ्ट धा से उठता है, और जो शार्प साउंड है वो ता से उठता है। तो ता के साइड में कोड़का होता है और लेफ्ट साइड में नगाड़ा होता है। बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, तीनों इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके ढोल का सही, ढोल से सही रिदम्स निकाल सकते हैं, सही साउंड निकाल सकते हैं, सही उसका सही मतलब पक्का पक्का ताल को आप बजा सकते हैं। तो ढोल मैंने सीखा, और सबसे बड़ी चीज है
मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि छाऊ की जो रिदिमिक स्ट्रक्चर है, जो रिदिमिक स्ट्रक्चर है छाऊ की, वो जितने स्ट्रक्चर चल रहे हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है मैं आपको बताता हूं। पहले तो शुरुआत में हम जिसको प्रथम ताल कहते हैं, फर्स्ट प्रथम ताल, उसके बाद काट, उसके बाद द्वितीय ताल, उसके बाद काट, उसके बाद नाटकी या नाचपाली, तीन फेज में, तीन लय में तीन तीन ताल बजता है, लेकिन उसको जोड़ने वाला काट होता है, जोड़ने वाला काट होता है। जो तुम्हें याद होगा जब तुम आए थे बजाने के लिए मेरे साथ या मेरे पिताजी थे, तो पहले हमने वो रिदमिक स्ट्रक्चर को तुमको अगर नहीं समझाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी में तुम बजा लोगे वो सीधी सीधी है ना, कि धागे नाके नाके दिन, और उसका सेकंड स्पीड आया था धागे नाके नाके दिन, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है बेटा कि छऊ की जो रिदमिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो ओड्रो देश का है, ओड्रो पद्धति का है, उड़ीसा छऊ की, ठीक है आज हम झारखंड में हैं, कल हम बिहार में थे, परसों हम किसी खंड में चले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो ओड्रो देश का है। और हाँ, और ओड्रो देश का जो ताल सिस्टम है, तुम ओडिसी का देखो, बाकी भी आइटम, बाकी रिदम्स को देखो, वो थोड़ा सा हिंदुस्तानी और कर्नाटकी से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बात बहादुरी, ये मानते हाँ बहादुरी ये देनी पड़ेगी छऊ के गुरुओं को या हमारे पूर्वजों को जिन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को बनाई। उन्होंने क्या किया कि पहला ताल ले लिया, मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक मयूर नृत्य है जिसका शुरुआत में बजता है, थित था धागी ना धे ने गे ने ना, आठ मात्रा का बजता है, बजता है ना। और याद है उन्होंने सर। क्या किया, अब बाद में कैसे हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंस हुआ और मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं बताता हूँ कि कैसे ताल का संयोजन किया। और उन्होंने उसके बाद क्या किया कि मुझे अगर मध्य ताल में जाना है तो एक काट लगा दिया, उसको हम काट कहते हैं, जैसे धित धा धागी ना धे ने गे ने ना, ये बेसिक ताल है। इसका काट क्या होगा, धित धा धागी तिरकिट धिन नाखी ता आ, धित धा धागी तिरकिट धिन नाखी ता आ, जाति जा ती जा, देने गेने देने गेने देने गेने देने गेने देने गेने देने गे की ता हृदय ता हृदा गे ना। अब मध्य लय आएगा, और मध्य लय में कोई जरूरी नहीं है कि जो आठ मात्रा बज रहा था वो आठ मात्रा बजेगा, वो अभी छह मात्रा बजेगा, कैसे, टे टे दा डे दा डे दा खेटी ता हृदय दा गिर नाक डे दा आ। सो एक दो तीन चार पांच छ, एक तो छह मात्रा का हो गया। और फिर इसके साथ एक काट देते हैं, ये तो मध्य लय हो गया, काट देते क्या, जे ने ते ता जे ने ता घी ता जिंदा ता ते टे ता हृदा घी ना दा दे। देखो थर्ड जो है उसका लय देखो और उसका ताल का चलन देखो, एकदम अलग लगेगा, रुदा दे नेता तीता खिटिकता खिटिता खिटिकता, रुदा डिगिन तड़ी नाक डिन तड़ी नाक डिन तड़ी निकिता के रुदा दे नेता। तो क्या बोले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार, छंद छंद हाँ छंद को कैसे, हाँ उनने छंद को यूटिलाइज किया। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मैं ताल तुमको सुनाया, ये ताल तो ये अभी सेंचुरी की है, मतलब 1920 के बाद बना है, ठीक है। उससे पहले जो ताल था ना, और उससे पहले जो किच था, वो बिल्कुल अलग था। मैं तुमको बताता हूँ, उसका भी पुराना का भी उदाहरण देता हूं, क्योंकि मेरे रिसर्च के दौरान, मैं जब टीचिंग मेथोडोलॉजी इन सरायकला छऊ का रिसर्च किया, उन दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं छऊ के इस पूरी यात्रा को तीन फेज में बांटता हूं, कैसे, अखाड़ा सिस्टम से पहले, अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा सिस्टम के बाद जो अभी चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो आजादी के अखाड़ा बाद फिर सिस्टम से, हाँ अखाड़ा सिस्टम से पहले जो छऊ था वो छऊ था एनिमल्स बर्ड्स बीस्ट इसका, ठीक है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट तो नहीं कहेंगे, भारतीय युद्ध कला से प्रेरित है, और वॉरियर लोगों से ये उत्पत्ति हुई है, छावनी से, छावनी से उत्पत्ति होकर आई है ना, तो उनका करेक्टर तो रहेगा ना। तो पहले बिल्कुल ढाल तलवार ये पकड़ के, पशुएं, इवन अगर बंदर भी नाच रहा है तो ढाल तलवार पकड़ के नाच रहा है, एक अलग ढंग का था उसमें। फिर ये जब तो अखाड़ा मैंने सिस्टम, भी देखा कि मतलब ये इसके अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं हो पाते फेशियल, लेकिन बॉडीली एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और वो बहुत जो है
मतलब युद्ध नीति या फिर एक्रोबैटिक है बहुत ज्यादा ये आर्ट फॉर्म जो है। देखो और मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूं कि ओड्रो देश में क्यों, आप तुम देखो गोटीपुओ में एक्रोबेटिक है ना, तो पहले एक्रोबेटिक पिरामिड्स थी, लेकिन धीरे 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 जैसे डांस आगे कोडिफाई होते गया, वैसे वैसे वो एक्रोबेटिक और पिरामिड्स धीरे 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 कम होने लगा। ठीक है, जो जिसको जिसको बाद में अगर हम तुम बोलोगे कि कुछ भंगिमा ऐसा है जो स्टैटिक पोस्चर्स है, जो पोज लेने का ना, पोज पोस्चर कहते हैं ना, तो वो धीरे 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 लिमिटेड होने लगा है ना। दूसरा चीज क्या मैं तुमको जो बता रहा था कि ये चूंकि योद्धाओं से प्रेरित है, तो इसपे कुछ भारतीय युद्ध कला और नेचुरल नेचुरल मतलब नेचर से प्रेरित होकर जो मूवमेंट आया, यानी कि एनिमल बर्ड्स बीस्ट इनसे जो लिया गया वो लिरिकल बन गया। क्योंकि अगर आज तुम देखोगे ना जो रिदम की प्रथा है या स्वर की प्रथा है आज के समय का, वो जो अखा सिस्टम में रिदम और स्वर था वो नहीं है। मैं तुमको अखा सिस्टम का एक रिदम और एक स्वर सुनाता हूँ, देखो कैसे कितना डिफरेंट है तुमको लगेगा। क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तानी क्लासिकल का इन्फ्लुएंस नहीं था हमारे यहाँ, तो हाँ अखाड़ा सिस्टम, हाँ उस वक्त अखाड़ा सिस्टम में मतलब 18 सेंचुरी में, ठीक है, हाँ उस वक्त हिंदु है जी हाँ, नहीं मैम आपकी बात में मैं ठीक, एग्री तो करूंगा मैम। क्लासिक हिंदुस्तानी का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो उस वक्त की स्वर कैसे होते थे। अब जैसे क्योंकि हम उड़ीसा के हैं और तुम्हें पता है कि वो जो पूरा ओड्रो देश का जो अभी बंटवारा, तीन छऊ तुम बोले ना, तीन छऊ किस लिए हुआ, तीन छऊ बंटवारे के आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ ना उस लिए तीन छऊ हुआ, नहीं तो छऊ एक ही होता बेटा अभी, और मैं तीनों छऊ को एक ही मानता हूँ, तीन फेज मानता हूँ। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है कि देखो अभी भी तुम पूर्णिया में देखो या मयूरभंज में देखो, वो अखाड़ा सिस्टम का जो स्वर है ना वो तुमको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सरायकला से ही गुरु लोग जाके वहां शिक्षा दिए हैं, तो वो कहाँ जाएगा बेटा। अभी तुम जाके सरायकला में शिक्षा दो या मुंबई में दो, तो संजीव शंकर का जो ट्रेडिशन है वही तो कहलाएगा ना, बिल्कुल अलग सा बिल्कुल नहीं कहलाएगा कुछ। तो बिल्कुल इसीलिए क्या होता है कि हम दिल्ली में करें चाहे कहीं भी करें, वो तो है तो सरायकला छोड़। तो इसी तरह से अखड़ा सिस्टम में जो रिदमिक स्ट्रक्चर था वो एक अलग था, जैसे रुधे रुधे कृधे नेता खे ता कृदा गे ने ता डे गे ने ता कृधे 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 ने ता खे ता कृदा गे ने ता डे गे ने ता। क्योंकि ओड्रो देश का जो ताल सिस्टम था उसमें झूला ताल बहुत है, जैसे एक और जैसे दा की दा की नेटे दा के दा की नेटे की दा हाँ टे नेटे दा के दा की निकला रदा की नेटे दा के दा की निता खी टे ता खी टे की ता, ये झूला ताल जो है ये ओड्रो देश का बहुत महत्वपूर्ण ताल है। अखाड़ा सिस्टम में बिल्कुल जो ताल था, क्योंकि उस वक्त केवल कैरेक्टर था कोई स्टोरी नहीं था, इसलिए उसका जो ताल होता था वो बिल्कुल हिंदुस्तानी ना होते हुए भी हिंदुस्तानी का पद्धति में चलता था। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनको तो उस वक्त हिंदुस्तानी का नॉलेज नहीं था, लेकिन देखो कितना अच्छा था। एक तार है छोटा सा, छोटे कृष्ण का है, उसको देते हैं तीता घी तेरे खेते जान ने केरी रड़े ने ताके जान ने केरी ता घी तेरे खेते जान ने केड़े रुड़े ने ताके दाम देने केड़े ताके दागे ने दे दागे ने ताके दागे ने दे दागे ने ताके ग्रे ने ताके ग्रे ने देने। मैं ये बोल रहा था कि ओड्रो पद्धति का जो रिदमिक स्ट्रक्चर था ना, जो अखाड़ा सिस्टम में था, वो हिंदुस्तानी से बिल्कुल अलग था। कैसे था मैं बताता कि झूला ताल का ज्यादा प्रायोरिटी था, उड़ीसा में झूला ताल ज्यादा मिलता है, और उन तालों को किस तरह, जैसे मैंने एक उदाहरण देता था कि क्रदे 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 ने ता खे ता के दा गे ने दा डे के ने ता। अब यही रिदम को एक काट डालकर ताडे ने ता के डे दा डे ने ताड़ी
दाडे ने तक डे दाडे ने तक डे दाग डे दाग डे दाग डे दाग डे ने तक डे ने ता रडे दाग तक तक ताकी डे ती तक ताकी डे हृदय 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 ने ताके ताके। मतलब बड़ा बोलने का है कि उस वक्त हिंदुस्तानी ना होते हुए भी बिल्कुल हिंदुस्तानी का जो ताल की पद्धति को वो अखाड़ा सिस्टम में वो लोग नहीं जानते थे हिंदुस्तानी क्या होता है, लेकिन उन्होंने जो सिस्टम ऑफ वर्क जो छऊ का जो ताल बनाया था वो प्रथम ताल फिर काट वही ताल को डबल में बजाते थे, फिर काट फिर वही ताल को चार गुण में ले जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जब हिंदुस्तानी का प्रभाव आया तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया। मतलब इसलिए बदल गया मैं बोल रहा हूँ कि पहले 12 मात्रा हो सकता है, उसके बाद 8 मात्रा हो सकता है, उसके बाद 6 मात्रा हो सकता है, उसके बाद 9 मात्रा भी हो सकता है, उसके बाद 7 मात्रा भी हो सकता है। मतलब इस तरह से हो गया। और उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जातियां जो है वो चेंज करते रहते हैं, ताल का जो जाति है वो चेंज होता रहता है, एक ही डांस एक ही आइटम्स में। अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि रिदिम छाऊ के जो रिदिम है ना उस पे सेंटिमेंट्स है। कैसे मैं तुमको बताता हूँ, छाऊ की रिदिम में मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे तीन ताल अगर दा दिन दिंदा बजता है या उसका कोई बंदी अलग से तुम बजाते हो वो एक अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों का कि करेक्टर को देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए भी रिदमिक स्ट्रक्चर बनाई गई है। मैं तुमको सुनाता हूँ, जैसे एक वीर रस का जो रिदम है उस रिदम को श्रृंगार रस में तुम नहीं डाल सकते हो, कभी नहीं डाल सकते हो। तो वीर रस का क्या, वीर रस का कैसा रिदम है ये, तड़िन रदा टे ता टे ने आ रदा टे ने ताक तड़िन रदा टे ता टे जहाँ तेरा खेट तागी तेरा खेट ताक तड़िन। ऐसे ही एक और बीरस का ताल देखो, कितना बीरस में भी कितने ताल उन्होंने कंपोजिशन किए हैं, रदा धे ना ता खेटी ता रदा धे ना ता खेटी खेटी ता। अगर तुम इस ताल को सुनोगे और बहुत गौर करोगे तुमको ऐसा लगेगा जैसे ये धामार बज रही है, जैसे का धी ट धी ट धा आ ग दी न ता आ। तो ता धे दा धे ना आ ता खेटी खेटी ता आ। तुम सोचो कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त धामार कौन समझा होगा, उस वक्त क्या पंचम स्वारी कौन जानता होगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरे पिताजी के चाचा जी को धामार और पंचम स्वारी का नॉलेज होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो हाँ सच्ची बात है, हम लोगों ने चूंकि थोड़ा इस समय में पढ़ाई लिखाई किया और ये सब को जानकारी प्राप्त हुआ, जैसे तुम लोगों के साथ हम गए, तुम्हारे मतलब विष्णु प्रसन्ना जी के साथ मेरे साथ हुआ, पापा के साथ हुआ, तो उससे कैसे चीजें निकल के आया। अभी रिदमिक स्ट्रक्चर तीनों सिस्टम में, तीन जो मैंने बताया कि अखाड़ा से पहले अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा के बाद, ये तीनों सिस्टम में डेवलपमेंट कैसे रिदम का हुआ है वही छाऊ का मेन चीज है। इसलिए कहते हैं कि छाऊ की डांस में ना केवल सेंटिमेंट्स है, ना स्वर में भी है और रिदम में भी है, रिदमिक स्ट्रक्चर में भी छाऊ का सेंटिमेंट्स है। तो अब रही मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये तीनों जो जो छाऊ के आर्ट फॉर्म्स जो हैं इसमें बेसिक फर्क क्या है, जो बेसिक फर्क है तीनों छाऊ में, बेसिक फर्क बेटा यही है मैं तुमको बताना कि ये तीन जो मैंने तीन फेज को बांटा ना, जैसे अखाड़ा सिस्टम से पहले, अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा के बाद। पुरुलिया छाऊ जो है जो बंगाल में वेस्ट बंगाल में चलते हैं, अभी तो बिल्कुल जात्रा हो गया बेटा, पहले डांस था, अभी तो बिल्कुल जात्रा, बंगाली जात्रा पूरा देखोगे और पुरुलिया छाऊ को देखोगे एक ही लगेगा, अभी वो हंस रहे हैं, तो अजीब सा वो डांस से थिएटर में चला गया। ठीक है, क्योंकि संजीव सबसे बड़ा बात होता है कि मेरे पिताजी या मेरे गुरुओं ने एक बात मुझे समझाई थी कि बेटा किसी भी आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट तभी होता है बेटा जब उस पे सही परफॉर्मर आता है, सही परफॉर्मर, जांच के परफॉर्मर। और अगर देखो तुम्हारे ट्रेडिशन से, तुम्हारे सहनाई में तुम लोग इतना अच्छा बजाते हो, तुम्हारे साथ और भी बच्चे सीखते हैं बजाते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जो जो चीजें तुम सोच के उसको उतारोगे सहनाई पर
वो दूसरों से फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि तुम उस पर सोचने वाले हो, तो जिस तरह से परफॉर्मर सोचेगा वो आउटकम उस तरह से बढ़ेगा। और ये सभी लोग नहीं करते हैं बेटा। मैंने भी देखा अपनी जिंदगी में, 50-60 साल मेरा भी हो गया, इस कम से कम 40-45-50 साल तो मैंने किया ही, इसमें देखा कि सभी लोगों का एक सा दिमाग नहीं होता है। इसीलिए बिल्कुल 100 साल में एक आदमी आएगा पैदा होके जो थोड़ा आठफोन को ऊंचा नहीं उठाएगा। ये जरूरी नहीं है हम सब कैरियर हैं, हमसे उठाने वाला है कंधे में, लेकिन वो जो व्यक्ति आएगा ना, वो ऐसा कंधा देगा ना, वो थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होगा। ऐसा ऐसा कला में होता ही है बेटा, है ना। दूसरा चीज, जब तुम बेसिक चीजें पूछा ना, तो पुरलिया छऊ बिल्कुल रो है, मतलब जो हम अखाड़ा सिस्टम से पहले वाला छऊ बात करता हूँ ना, बिल्कुल रो रहेगा, उसमें एक्रोबेटिक मूवमेंट रह गया, ऐसे डांस मूवमेंट कम हो गया, पिरामिड्स ज्यादा हुआ, एक्रोबेटिक ज्यादा रहा, है ना। और फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ मयूरभंज में, मयूरभंज में फोक, वहां का जो फोक था, उड़ीसा की आसपास की जो फोक थी, वो एक अलग ढंग से उसके मिक्स होके डेवलप हुआ। सरायकेला में इसलिए डेवलप हुआ बेटा ज्यादा अच्छी तरह से, किस सरायकेला का राजा की देन है। सरायकेला के जो अखड़ा सिस्टम में जो राजा थे, उदित नारायण सिंह देव, उनकी बहुत दिमाग थी बेटा। उन्होंने 8 स्कूल, मैं अखाड़ा बोला ना क्योंकि छऊ का अखाड़ा होता है, क्योंकि हम युद्ध विद्या करते हैं, इसलिए हमारे स्कूल का, पहले स्कूल नहीं था, गुरुकुल नहीं था, अखाड़ा कहते थे अखाड़ा। और वहां के जो लोग सिखाते थे उनको उस्ताद कहा जाता था। शब्द सुन ले, कहां से वो उर्दू वर्ड आया, कब आया पता नहीं, जबकि ना मुगलों का असर सरायकेला के किंगडम में है और ना ब्रिटिशर्स की असर है। हमारे यहाँ, हमारे सरायकेला किंगडम में किसी का असर नहीं था बेटा, कोई नहीं गया है, सिर्फ स्वतंत्र रहा। मालूम है तुमको, 36 उड़ीसा का 36 किंगडम था, और 36 किंगडम में चौदह, 36 गढ़ जात, सिंहभूम, मानभूम, बराभूम, दलभूम, शिखरभूम, ये भूम हो गया, फिर सुंदरगढ़, बोणेगढ़, जितना गढ़ था, बोणे सुंदरगढ़, बोणेगढ़ और केंजुरगढ़, ये जितना गढ़ था, ये 36 किंगडम में चौथा। लेकिन धीरे 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 सबसे लुप्त होने के बाद 3 किंगडम में रहा, सरायकला, मयूरभंज और पुरुलिया। उसके बाद आजादी के बाद जब बांट दिया, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वही एक ही जगह था, ये सब, ये जितने किंगडम सब इकट्ठे थे, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर दिया तो 3 जगह में बांट दिया, 3 छऊ हो गया। और तब से लेकर आज तक वहां के परफॉर्मर के ऊपर वो जीवित रहा। तो सुनो, बंगाल में करने वाले जितने परफॉर्मर है, सब खेती बाड़ी करने वाले मुंडा आदिवासी है, ठीक है। मयूरभंज में करने वाले जितने लोग थे, उसमें सब लोअर कास्ट के, जो ढोल बजाने वाले, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, ये सब करते थे, है ना। दिमाग देखो, दिमाग का बात है सोचने की। और सरायकेला में राजा ने अपने बेटों को डांसर बना दिया ताकि अच्छे लोग करें, बहुत हाँ बहादुरी। मैं तो राजा को बहुत ये दूंगा कि जिस राजा ने बहुत प्रयत्न कर कर इस कला को एक अलग सी ऊंचाई दी। और तुमको ये मालूम होना चाहिए संजीव, सरायकेला छऊ में मुखौटे की प्रयोग होती है और मुखौटे की प्रयोग से अभिनय का ऑडियंस तक आंगिक शारीरिक अभिनय द्वारा अपनी भावों को प्रदर्शित की जाती है। जो करेक्टर है या जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से एक स्थायी भाव में एक मुखौटा बनाई जाती है और उस मुखौटे को जब हम पहनते हैं तो जो हमें एहसास होता है, मैं वो चीज तुम्हें बताता हूं कि मुखौटे के पहनने से इंसान या आर्टिस्ट अपना जो आइडेंटिटी है उसको खोकर उस आइडेंटिटी में चला जाता है जो करेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं खुले चेहरे में मेकअप करके आपके सामने आऊं और कृष्ण का रोल कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि सज्जन आचार्य जी ने कृष्ण का रोल किया या राधा किया या रात्रि किया या सूर्य किया या चंद्रमा किया। लेकिन जब मुखौटे की प्रयोग होती है और मुखौटा हम पहनते हैं तो
तो आप हमें ऑडियंस जो है वो हमको हमारे अपने स्वरूप में आइडेंटिफाई न कर करे, उस करेक्टर के ऊपर आइडेंटिफाई करती है जो करेक्टर हम ऑन स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। छाऊ ऐसे ही बेसिकली कहा गया है कि सबसे ज्यादा आंगिक अभिनय, यानी कि आंगिक अभिनय से अपनी चीजों को, अपनी भावों को, अपनी रस को दर्शाता है। लेकिन मुखौटे भी एक अभिन्न अंग है जिससे हम उस करेक्टर और वो स्टोरी लाइन को भी हम दर्शाते हैं। मुखौटा एक स्थायी भाव से बनती है और उसके बाद थ्रू ग्रीवा भी नेक मूवमेंट के जरिए से हम उसको देखते हैं। जैसे ये कृष्ण का मुखौटा है और इस मुखौटे में अगर मैं पहन लू और फिर एक्सप्रेशन करूं, ये झुकना, ये देखना, ये तो मूवमेंट, नेक मूवमेंट के थ्रू से ये सारा चीज हम दर्शाते हैं। इसके ऊपर हेडनेस होती है और वो भी करेक्टर को दर्शाता है। मुखौटा अपने आप में करेक्टर को दर्शाता ही है, लेकिन आप अगर कहेंगे कि एक भाव से, एक रस से दूसरी रस को किस तरह हम जाते हैं, वो अपने अंग भंगिमा और गर्दन नेक मूवमेंट के थ्रू से हम उस चीज पर जाते हैं। मुखौटा छाऊ का अभिन्न अंग है। मुखौटे को अगर अलग कर दिया जाए, जैसे एक स्टाइल में, एक मयूरभंज स्टाइल में मुखौटे को अलग कर दिया है, मुखौटे को 19वीं शताब्दी में उन्होंने हटा दिया है, लेकिन क्योंकि शरीर से सारे काम करना पड़ता है और डांस में ही इसका सेंटिमेंट्स है, तो मुखाभिनय जो चेहरा है उसका अभिनय जो है वो एक परिश्रम है, शारीरिक परिश्रम है। तो वो मुखाभिनय उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है क्योंकि हमें मूवमेंट करने में इतनी ताकत लगानी पड़ती है, मुखाभिनय को हम कैसे करेंगे। इसीलिए कहा गया ना कि प्योर डांस में अभिनय नहीं होता है और अभिनय में डांस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे डांस में ही अभिनय है। इसलिए हम मुखौटे की जो प्रयोग करते हैं तो वो डांस के साथ अपनी अभिनय को दर्शाता है, क्यों कि मुखौटे को पहनने के बाद जो शारीरिक अंग भंगिमा हम करते हैं उससे ही सारा चीज जो है, जो भी हमें दर्शानी है ऑडियंस को, वो दिखाई पड़ती है। अगर हम रात्रि में रात्रि का मास्क पहनते हैं और मैं यहाँ रखता हूं तो ऐसा लगेगा कि रात्रि शांत है, और अगर मैं ऐसे करता हूं और आंखें उठता, खुल जाता आंखें मेरा, तो आपको लगेगा कि रात्रि भयंकर है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी अंग भंगिमा के द्वारा ही इसको दर्शाया गया है। तो मुखौटा इसका अभिन्न अंग है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज है कि अपनी आइडेंटिटी खोकर उस आइडेंटिटी पे हम चले जाते हैं जो करेक्टर हम कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। कि 1933 में पहली बार सरायकला छऊ यूरोप गया है, फर्स्ट टाइम। उस वक्त इंडिया से कोई डांस बाहर नहीं गया था, उसके बाद उदय शंकर जी गए रशिया। और अगर कोई डांस को देखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ महात्मा गांधी ने इस डांस को सुभाष चंद्र बोस के भाई के घर में बैठ के जमीन पे देखे हैं। वो फोटो भी मेरे पास है, वाह, सोचो सोचो। और ये सबसे फोटो बड़ी, हाँ वाह, वो फोटो में गांधी स्मृति उसको दे दिया हूँ, एक एक कॉपी, ताकि वहां रहे। बहुत बढ़िया चीज है। गांधी जी नीचे बैठे हैं जमीन पे और रविन्द्रनाथ टैगोर कुर्सी पे बैठे हैं, और वहां हमारे गुरु लोग डांस कर रहे, जो मेरे गुरु थे केदारनाथ साहू, नटसरबन बिहारी पटनायक, वीरेंद्र प्रताप सिंह दो, सुदेन नारायण सिंह दो, शुभेंद्र नाथ, ये लोग डांस कर रहे हैं वहां। और महात्मा गांधी ने कहा कि तुम आपने तो मुझे लड़की का डांस दिखा दिया, भ्रष्ट कर दिया मेरा जिंदगी। तो बकायदा मेरे गुरु जी को सामने लाया गया और बोला गया कि नहीं, ये पुरुष है, आप देख लीजिए। सोचो तो कि मेन है कि इंसान के प्रयास एक आर्ट फॉर्म को ऊंचा दिलवाता है बेटा।
और वो बिल्कुल बेसिक निर्भर करता है कि परफॉर्मर के ऊपर कि किस तरह से परफॉर्मेंस वो करता है और किस तरह की वो सोच अपने मन में रखता है, बिल्कुल भैया, इसलिए चिंता। मैं यहीं पर एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि सराउकेला छाऊ जो है एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें शहनाई का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है, और बिल्कुल शहनाई के अंदर जो है मतलब ये डांस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर शहनाई नहीं मिलता है आपको तो आपने बांसुरी को ले लिया, सितार ले लिया, ऐसा होना मुश्किल है। पर शहनाई जो है वो देखो, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल छाऊ के लिए, और ये इसका अकेला डांस कारण फॉर्म है, इसका जी। कारण है संजीव, इसका हाँ कारण है, बगैर कारण का कोई काम कोई चीज नहीं होता, इसका कारण है, मैं तुमको बताता हूं। क्योंकि इससे पहले अखाड़ा सिस्टम के समय में तुमको मालूम है कि हमारे यहाँ मोहरी बजता था, मोहरी हाँ वो हाई पिच की होती थी, बहुत मतलब बेसुरा और होती बड़ी हाई पिच की होती थी, है। स्वर का कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि रिदमिक स्ट्रक्चर बहुत ऊंचा था, ढोल नगाड़ा और ओपन एयर में बजता था, अगर मोहरी नहीं बजेगा तो अगर रिदिम से स्वर ऊपर नहीं जाएगा तो वो मैच नहीं करता था और रिदिम डोमिनेट कर कर उसको दबा देता था। तो इसीलिए हाँ हमारे यहाँ पहले मोहरी, सिंघा, तुरी, भेरी ये सब बजता था, ठीक है। बाद में जब 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी में, 1920 के बाद बता रहा हूं तुमको, जब विजय प्रताप सिंह देव आए और कोरियोग्राफी करना शुरू किए, राजा के भाई वो थे, वो कोरियोग्राफर थे, वो हमारा, वो कहते हैं ना 100 साल में एक आदमी आता है, वो 100 साल वाला आदमी है, जिन्होंने इसको इसका एक मकसद अलग कर दिया और इसको एक ऐसा डांस फॉर्म बनाया जो आज देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस डांस फॉर्म क्या था और आज क्या है। कैसे, उन्होंने जब कलकत्ता में परफॉर्मेंस किया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको बोला कि बाबा विजय, देखो बंगाली में कितना अच्छा बोला उन्होंने कि बाबा विजय तुम्हार डांसे सब किचू आचे भाव नहीं, तो भाव उन्होंने नहीं। वहां से भाव 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 नहीं बोले, प्योर डांस था ना, प्योर डांस करता बेटा। तो वहां से आने के बाद जब कोरियोग्राफी उन्होंने शुरू किया ना, तो हाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजों को कोरियोग्राफी किया जिससे उन्होंने, और जब अच्छी चीज की कोरियोग्राफी, जब बात आएगी स्टोरी लाइन की, जब बात आएगी तो सॉफ्टनेस की तो बात आएगी ना बेटा, उस वक्त तो हाँ हुबड़ दाबुड़ था, इस वक्त स्टोरी लाइन आया तो सॉफ्टनेस की बात आई, अब डिफरेंट रस की बात आई ना, श्रृंगार आया, ये आया, वो आया, डिफरेंट रस की बात हुई। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे बड़ा वजह, राजा को बोलकर सहनाई बनारस से छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दो भाई को लेके सरायकला में रखा, उन्होंने उन्होंने जगह दिया, उन्होंने वहां दिया और उन्हीं से हिंदुस्तानी का प्रभाव सरायकला छऊ में पड़ा। जैसे अब उनकी कोरियोग्राफी का एक तुमको मैं सुनाता हूं, देखो मैं तो रिदम सीखा सब कुछ, मेरे पिताजी बोलते रहे बेटा थोड़ा हारमोनियम भी सीख ले, मैंने कभी नहीं सीखा, वो डाटा डाटा ले 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 लाला लाला करके मैं कर जाता हूँ, है ना। तो मेरा क्या हुआ कि हर चीज सिखा नहीं जाता बेटा, कुछ कुछ चीजें बाकी रह जाती है जिंदगी में, लेकिन उसकी परिपूर्ण में डाटा डाटा ले 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 कर देता हूँ। जैसे दा ना ना दा ना ना दा ना दा ना ना रे ना ना ता ना ना ना। अब ये स्वर, ये राग बजा तो इसके साथ से रिदमिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, धा गे ना धा धिन ता धा गे ना ता खे ता ता ना रे ना दा ना दे ना ना ता रे ना दा ना रे ना ता ना। अब अलग
सबसे बड़ी चीज है कि जब इन्होंने शहनाई को इंक्लूड किया तो शहनाई सॉफ्ट सुरीला मोहरी की तरह नहीं, और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी रिदम का इम्पैक्ट पड़ा, तो जो डांस को उन्होंने कोरियोग्राफी किया या जो उनकी अपनी मकसद थी वो मकसद उनका पूरा हुआ। अब तुमको पता होना चाहिए कि विदेश जाने से पहले इन्होंने बहुत ट्राई किया, विदेश जाने से पहले जो पन्नालाल घोष बजाए बांसुरी, खुद खुद पन्नालाल घोष हमारे यहाँ बांसुरी बजाए, सोचो जी मतलब जी राजा ने कितना इंटरेस्टेड था कि बाहर के शंभुनाथ पखौजी, जो बड़े पखौजी थे शंभुनाथ जी, उनको लाके क्यों, उन कहां से मतलब हिंदुस्तानी को किस तरह से छाऊ में इन्फ्लुएंस हुआ 19वीं शताब्दी में, ये एक बड़ी बहादुरी की चीज है। और सुनो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि राग भी लिया तो पूरा नहीं लिया, आलाप लिया, अंतरा लिया, फिर दूसरी राग बदल दिया, फिर आलाप लिया, फिर अंतरा लिया, फिर तीसरी राग बदल दिया, मतलब एक आइटम्स के अंदर में दो तीन रागों का प्रवेश करवाया, और ऐसा मार्ज करवाया रागों को, तुम तो बजाए हुए हो मैं क्या बताऊंगा, ऐसा मार्ज किया है कि किसी को पता चलने नहीं चाहता है कि एक राग से तो दूसरे राग में चला जाता है, और इतना इजी वे में मार्ज होता है, मतलब यही बहादुरी है ना स्ट्रक्चर का। तो मैं मेरे को तो अच्छे से ध्यान है कि आपके पिताजी जो हैं उनके पास में बैठ के ये सारा का सारा रिदम का स्ट्रक्चर भी मैंने सीखा, और बिल्कुल जो पुरानी बंदिश थी वो चाहे मयूर का नोटेशन करना हो कुछ भी तो हो, तुम्हारे वो अंकल जो है बैठ कोई के तीन सारे जी नोटेशन मेरे पास अभी है, चिंता मत कर, बहुत है, जितनी नोटेशन तुमने जी किया था सब मेरे पास है। अच्छा जी सुनो, उसके तुम्हारे तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद जब दूसरा बजाया, मैं तुमको बताता हूँ देखो डिफरेंस क्या होता है। मैं तो सुनता हूँ, मैं तो नाचता हूँ, मैं तो ऑन स्टेज नाचता हूँ, और ऑन स्टेज तो मैं मजा लेता हूँ नाचते नाचते, मैं कोई कभी इतना दिमाग से नहीं रखता हूँ कि मुझे नाचना है, मैं मजा लेता हूँ, डांस का मजा लेता हूँ और म्यूजिक का मजा लेता हूँ। तो मैंने क्या करा कि तुम रात्रि में यमन बजाते थे याद करो, पूरा पूरा बिल्कुल यमन बिल्कुल बजती थी, अभी मैंने हाँ क्या किया है कि रात्रि में यमन और चंद्रमा की एंट्री में मारू विहार डाला है, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन गया है यमन और मारू विहार का, तुम जवाब नहीं, कभी सुनोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और पीकॉक में पहले हम मेघ मेघ बजाते थे है ना, उसके बाद हाँ हमारा एक लोकल ट्यून था वो बजाते थे याद होगा, ये की था क्या हाँ था, इहेला बंधु रे किहेला तोर नयनो झरू छिलता कलोर, किहेला बंधु रे किहेला तोर ताकू खोजी खोजी जुगो गला हजी, ताकू खोजी खोजी जुगो गला हजी नयनो झरू छिलता कलोर किहेला बंधु रे किहेला तोर, ये बीच में बजता था। तो जब हम मेघ बजाते हैं और फिर ये लोकल ट्यून लाते हैं, तो मुझे एक अटपटा सा लगने लगा नाच में, डांस में अटपटा था। तो मैंने क्या कहा, क्या करा कि मैंने बोला कि नहीं देखो, एक एक जर्क सा, एक झटका सा लगता है ना, जैसे झटका लगता है ना कि एक एक सुरीला चीज आता होगा, फिर की हेला बंधु रे, एक झटका सा लगा। तो मैंने बोला नहीं, इस पे हम डालते हैं क्योंकि पीकॉक है तो बाहर डालते हैं, और हमने क्या किया बाहर डाल के कितना सुंदर बनाया इसको, दा 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 रे दा 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 रे दा 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 दा, इतना सुंदर मैचिंग हुआ कैसे, दे दे दा कीटी ताकर दे दा गड़नाक दे दा आ दे दा दे दा कीटी ताकर दा दा गड़नाक दे दा आ, उरु तक दागे ना खेत तक दागे ना, उरु तक दागे ना खेत तक दागे ना, दादा करा दादा करा दादा दादा दा। और लास्ट में था वो इसका रिदम था, राधे ने ता तेता खिटिकता खिटिता खिटिकता दड़गे ने तड़े नक डिन तड़े नक डिन ने तड़े ने किता के राधे ने ता तेता, ये रिदम था लास्ट में नाटकी, इसमें बताता छोटो छोटो छायला के बाग धोरे छे,
पाला उरे ठाला भागे से चे। तो मैंने क्या किया कि जो राग बीच में डरे डा 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 डरे डा 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 डरे 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 डा डा डा। एक बार मुझे पार्थोदास जी ने एक पीकॉक का म्यूजिक कॉम्पोजिशन किया था जिसमें मुझे बाबू तुम्हें भी हाँ तुमको याद होगा कि हम लोग रियूनियन आइलैंड गए थे, पार्थोदा मेरे को लेके गए थे, मैं कोरियोग्राफर था, दादा म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने एक पीकॉक डांस में, यही मेरा वाला पीकॉक डांस में, उन्होंने एक लास्ट में म्यूजिक डाला था जैसे डा 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 डा, ये सहना ही होता था। और बांसुरी में लगते डा डा डा। तो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन हुआ था, तो मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा चोरी तो करना पड़ेगा ना, दादा की दिमाग को थोड़ा चोरी कर लेते हैं, थोड़ा चोरी कर मैंने इसको डाला। इतना सुंदर लगा पीको, जवाब नहीं। तो सहनाई आज के दिन में हमारी प्राण है। छाऊ में हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट कितना भी बजा ले संजीव, छाऊ में सहनाई के बिना छाऊ का परिकल्पना करना भी बेकार है। इसीलिए मैं हमेशा तड़प तड़प के काम करता हूं, मुझे जब सहनाई मिलता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, इतना खुश होता है या चलो आज तो आज अच्छा होगा। तो नहीं, मैं कह रहा था कि आपको कि ये मतलब बड़ी दुख की बात है, हालांकि कि आपने जिन कलाकारों का नाम लिया भी जो रियूनियन आइलैंड गए थे आपके साथ और आप गए थे सब लोग मिलके, उसमें हमारे चचेरे दादा थे विष्णु प्रसाद मिश्रा जी, प्रसन्ना जी, और क्या नाम है अपने पार्थदास जी, और फ्लूट पे थे शैलेंद्र चाचा। तो हाँ तीनों लोग इस दुनिया में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं तीनों है लोग बेटा, यही इस म्यूजिक को, लेकिन वो जो मैंने लिया और मैं बचा कर रखा, मुझे लगता है कि पार्थोदा अगर कभी सुनते हैं, बीच में सुने नहीं, उनको ऐसे में मुझमारी सुना दिया था, मैंने कहा दादा मैंने आपकी ये चीजों को लिया, तो कहते हैं कि अरे जो अच्छी चीज होती है वही तो लेते हैं लोग ना। ठीक है, अरे उनकी जीवन रह गया ना, उनकी कॉम्पोजिशन छोटी सी एक झलक कॉम्पोजिशन उनकी मेरे दिल में रह गया, ये बड़ी चीज और क्या हो सकता है ना। भैया, आज के समय में जो माहौल जो है, जो वातावरण है पूरी दुनिया का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मतलब हमें भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो हमारी पुरानी विद्याएं हैं उनको जो है मतलब आज के लोग जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आज की समय में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि आप लोग को देखनी पड़ती है, क्योंकि मतलब ये इस तरह की विद्याएं हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इस पे आपका क्या विचार है आपका? देखो बेटा, जितने डांस फॉर्म भारतवर्ष में हैं, मेरा स्टाइल जो 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 मैं स्टाइल करता हूँ वो एक ऐसा स्टाइल है कि इस स्टाइल को हर जगह हम कर नहीं सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं, इसका हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। हाँ, इसकी अपॉर्चुनिटी जहाँ है वहाँ एकदम फिक्स है, वहाँ किसी की प्रवेश नहीं है, ये मैं जान मानता हूँ। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ना वन टू माने वन टू वन हम हो सकते हैं ना, और सबसे बड़ी चीज है कि इस समय एक दुखदाई बात है बेटा कि परफॉर्मेंस रुक गई है। और अगर हम अपने आप में अपना चीज को ग्रीसिंग नहीं करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डंप हो जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है आज के समय के को देखते हुए कि लोगों से या मेरे दोस्तों से या मेरे स्टूडेंट से या बाकी लोगों से भी, जो भी अपने अपने आर्ट फॉर्म करते हैं, आप कार्यरत रहिए, कार्य काम से हटिए मत। और ठीक है, एक टाइम आया है, ऐसी टाइम आती रहेगी, आती है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं आती है, पिछले भी कभी आया होगा, हमारे नॉलेज में नहीं है लेकिन आई होगी। हमको अपना चीज बचा के रखना है। दूसरी चीज है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो अभी मॉडर्न मॉडर्न और ये क्रिएटिव इनोवेटिव बहुत सारे शब्द आ गए बेटा, है ना, ये शब्द से इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारे शब्द आ गए, इससे बहुत घबराहट पैदा हो रही है। क्यों?
कि देखो एक चीज है कि हमारे पूर्वजों ने जो क्रिएट करके गए हैं, जो उपज करके गए हैं, उससे हम आगे और क्या क्रिएट करेंगे, वो उसको जोड़ तोड़ कर सकते हैं, हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम अरेंजर बन सकते हैं, लेकिन क्रिएटर होना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग भी ये काम करते हैं, चाहे मैं भी क्यों ना करूं, अपने अस्तित्व को बजा के रखकर अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो आपकी देन होगी, और अगर अपने अस्तित्व को ना रखकर कोई काम करते हैं तो वो आपकी देन नहीं होगी, बल्कि वो आपको इस कला को, कला के लिए हानिकारक है, बिल्कुल लाभदायक नहीं बिल्कुल है, लाभदायक नहीं है। तुमने, मैंने उस दिन सुना था तुमने रविशंकर जी कुछ बोल रहे थे और तुम लोग बजा रहे थे, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि अपनी अस्तित्व को रख के कितना काम किया जा सकता है यार। ये अस्तित्व वाला बात जो है ना, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि इसे इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसी भी कलाकार हो। देखो चंद पैसों के लिए अगर हम अपनी चीजों को दूसरी ओर टर्न कर देंगे तो वो हम कला के लिए क्षति करते हैं। कला के बिल्कुल लिए आप अच्छा काम कीजिए, और अगर हाँ वो बंदा भी करेगा बेटा जिसको कला में श्रद्धा है, प्रेम है, और कला उसकी जिंदगी है, वही कर सकता है। दूसरे लोगों को क्या मतलब है यार, कला जाए रहे या मरे। बिल्कुल सही बात बोली आपने भैया। शशि भैया, मैं आपसे मतलब जो आपने बात बोली उससे बिल्कुल वाकिफ रखता हूं और मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं कि जो हमारी जब तक जड़ें मजबूत नहीं रखा जाएगा तब तक पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा। और जो हमारे बुजुर्ग जो करके गए हैं, अगर उसको हम संजो के नहीं रखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे उसी रॉ फॉर्म में, कि जिसके ऊपर कि उन वो लोग अपना एक नजरिया रख के कुछ नया सोच के कुछ और कुछ कर सकें, वो ठीक है वो, लेकिन पहले तो जो ओरिजिनल जो है वो तो उनके हाथ में होना चाहिए। वही ना, घर बनाने के लिए न्यू तो बनाना पड़ेगा ना। अगर आप न्यू डालोगे, जो पुराने लोगों का तरीका है न्यू डालने का जमीन में, ठीक है आज हम छड़ से उठा रहे हैं, लेकिन पहले लोगों ने पत्थर डाल के न्यू बनाते थे, याद करो, तो वो बिल्कुल कितनी मजबूत होती थी। ठीक है हम अलग ढंग से हम अपना घर को बना रहे हैं, हम अलग ढंग से ईंट दे रहे हैं, अलग अलग ईंट दे रहे हैं, अलग अलग ढंग की ईंट निकली है, ये बात को मैं भी बिलीव करता हूँ, अच्छा बात है, सस्ता भी बिल्कुल है, सुंदर भी है, मजबूत भी है, लेकिन जो नीचे वाला नींव है अगर उसे आप अच्छा रखेंगे तो आप आगे, देखो तुम्हारे पास मेटेरियल होगा तभी तो इम्प्रोवाइजेशन पे जाओगे बेटा, जब बिल्कुल टेक्निक बिल्कुल ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इम्प्रोवाइजेशन कहां से करोगे। छाऊ एज एन आर्ट फॉर्म, ये फोक आर्ट फॉर्म रहा है हमेशा से, पर हमारे शशि भाई जैसे, शशाचार्य जैसे बड़े कलाकारों ने, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया एक आर्ट फॉर्म को, तो इन लोग के प्रयासों से जो है ये आर्ट फॉर्म आज भी जीवित है। और इन्होंने दुनिया भर में छाऊ का जो एक छवि छोड़ दी है कि आज जो है विदेशों में अगर सिर्फ एक फोटो दिखा देंगे किसी एक आर्टिस्ट की डांस करते हुए, तो वो ये बोल देगा कि ये तो छाऊ डांस है। और अगर ना किसी का नाम आएगा, शशि भैया का हमारे नाम आएगा। और इन्होंने बहुत, और सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके पूरे परिवार ने, और अभी भी शशि भैया और इनके चारों भाई जो हैं, इन लोगों ने मिलके इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, ये मैं पिछले 20 साल से मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि कॉन्सर्ट से पहले रिहर्सल जो होना है उसके अंदर एक 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 माहौल ऐसा बनाना है कि कॉन्सर्ट इजी इजी हो जाए, उसमें कि कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट ना लगे। रिहर्सल जो है मतलब वो भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बातचीत होती रही है और सब कुछ करते कराते जो है कुछ नया भी डाला जा रहा है उसके अंदर, और कुछ कुछ चीजें जो लगता है कि नहीं शायद ये इस कॉन्सर्ट के लिए अच्छा नहीं है, उसमें से उसको उन एलिमेंट्स को जो है एलिमिनेट किया जाता है। पर शशि भाई जो हैं वो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को ना केवल जीवित रखा है बल्कि उसमें इतना
आत्मा डाल दिया है अपना, कि वो आने वाले बहुत समय तक जो है वो जीवित रहेगा। और मैं इसी बात पे जो है शशि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजीव एक बात मैं तुमको तो बोलना चाहता हूँ, सुनो। बोली ना प्लीज। कला को बचानी है तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिशन वाले हैं ना, ट्रेडिशनल हैं, इनको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम हमारे मरने से पहले हम अपनों में से या अपने स्टूडेंट में से किसी एक को जरूर निकाल के जाए। ये हमारी बहुत बिल्कुल बड़ी देन होगी। बहुत मैं बहुत तुमको एक बहुत बात और बता, बढ़िया। सुन लो, हम चारों भाइयों को तो सिखाया मैंने। मेरा बेटा को मैं पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बना सकता था बेटा, मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मेरा बेटा खुद बहुत देर में आया और बहुत जल्द सीखा और वो आज परफॉर्मर है। कम से कम मेरे मरने से बाद एक चीज तो रह जाएगी कि मेरा बेटा छव को बचा के रखेगा। ये मेरा अभिप्राय। नहीं, आपने बहुत बहुत बड़ी बात बोली, और आपने इतने बरसों से जो है अपने परिवार की परंपरा को बचा के रखा, तो उसके लिए मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान जो है वो आपको धन्यवाद करता है कि आपने इतनी पुरानी परंपरा को जो है अभी तक ऐसे संजो कर रखा है जैसे कि ये कल शुरू हुई है। और उसके अंदर जो नयापन लाना चाहिए, जो समय के साथ एक नए एलिमेंट्स जुड़ते जाते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में, तो उसमें जो आपका योगदान रहा है वो सराहनीय है। उसके लिए तो मतलब शब्द कम है मेरे पास बोलने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके आने वाली पीढ़ी जितनी भी हैं वो इस कार्य को जो है जारी रखें। और मैं तो आपके सामने आप छोटे भाई जैसा हूं, पर वो बेटा जो है वो तो उसको तो मैंने गोद में भी देखा है आपने, कि वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल गोद में सही बात है, उसको सही बात है। देखा। और मैं चाहूंगा कि कभी जब मौका लगे तो मैं एक बार उससे भी जो है एक इस तरह का इंटरव्यू हम लोग ले पाए। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि भैया, आपने इतना समय दिया और सभी दर्शकों का जो है इतना ज्ञानवर्धन किया, और अपने आर्ट फॉर्म के बारे में जिसके बारे में बहुत मतलब ये तो दुख की बात है हालांकि, कि हिंदुस्तान का आर्ट फॉर्म होने के बाद हिंदुस्तानियों को नहीं मालूम कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। पर ये भी जो है मतलब हालांकि मेरे को लगता है कि समय काफी कम था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पक्ष ऐसे लगे हैं जिसपे हमने बात बात नहीं करी। तो पर अगर आपकी कभी समय आपके पास होगा तो हम लोग फिर से इस पे एक बार चर्चा पर बैठेंगे। धन्यवाद भैया। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।